सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। राग बिहागड़ा शांत महला चौथा कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर हर नाम ते आई है मेरी जिंदोड़िए गुरमुख नाम अमूले राम। हर रस बीदा हर मन प्यारा मन हर रस नाम चकोले राम। हर हर नाम ते आई है मेरी जिंदोड़िए गुरमुख नाम अमोले राम। हर रस बीदा हर मन प्यारा मन हर रस नाम चकोले राम। गुरमुक्त मन ठहराई है मेरी जिंदुड़िए अनत ना काहू डोले राम। मन चिंदियाड़ा फल पाया हर प्रभ गुण नानक बाणी बोले राम। गुरमत मन ठहराई है मेरी जिंदोड़िए अनत ना काहू डोले राम। मन चिंदेड़ा फल पाया हर प्रभ गुण नानक बाणी बोले राम। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। वाहे गुरु जी जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक जेहा तू कराए तेहा हों करी बखियाना। दासन दास कहे जन नानक देहा तू कराए तेहा हां करे बखिया। सुनमान योग गुरु सवारी गुरु रूप सात संगत जी इस पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा मंजी साहेब दीवान हाल अंदर
धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन हजूरी दे अंदर हर रोज दे नितनेमी प्रेमी गुरमुख गुरसिख माई भाई जुड़ मिल बैठी गुरु सवारी संगत जी अते देशां विदेशां विच आपो अपने घरां दे अंदर PTC चैनल राही इस स्थान तो आए पावन पवित्र मुख वाक दी विचार सरवण करन लई एकत्र होए समूह सा संगत जी आओ सब तो पहला रसना नू करो पवित्र सतगुरु साहब जी दी बख्शिश कीती गुरफते दी सांझ पाओ सारे प्यार सहित आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हर रोज दी तरह सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी दे अंदर परम कृपालू दीन दुनिया दे मालक जगत गुरु शब्द गुरु बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मन पुरतख गुरु निस्तारे। धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने त्रुठ के अज प्रकाशवान होके अमृत वेले जो मुख वाक बख्शिश कीता है उस पावन पवित्र मुख वाक दा पहला बंद पहली पौड़ी आप हुने ही श्रवण कीती है। ये अज दा जो पवित्र मुख वाक है धन धन सोढ़ी पातशाह साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज दा उचारण कीता होया है जिस सतगुरु दी सिफत करदियां भाई गुरदास जी ने भी अपनी पावन बाणी अंदर ये पावन बोल कहे हन। बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावै पूरन ताल खटाया अमृत सर विच जोत जगावै। पावन बाणी दे अंदर जिस गुरु दी सिफत करदियां भट्टा ने पावन वचन कहे हन मोह मल विवस कियो काम गह केस पछाड़ियो क्रोध खंड प्रचंड लोभ अपमान से झाड़ियो जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए सुमन्ना भवसागर बंधयो सिख तारे सो प्रसन्ना श्रियात पत सचो तखत जोग भोग संयुक्त वल गुरु रामदास सच सल भन तो अटल राज अभग दर। ऐसे पातशाह दे पातशाह धन गुरु रामदास जी महाराज दा ये पावन पवित्र मुखवाक विहागड़ा राग दे अंदर
उचारण किया होया है। सतगुरु जी ने इस पावन शब्द के आदि विच आरंभ विच ही सानू इस अमोलक मनुखा जन्म नू सफला करन लई प्रभु परमात्मा दे नाम नाल जोड़न लई प्रेरणा कीती है, क्योंकि इस जीवन दी सफलता नाम नाल जुड़ के ही होनी है। नाम जपन तो बिना इस जीव दा जिंदगी दा सब कुछ व्यर्थ है। सतगुरु जी ने तद ही बाणी दे अंदर जो नाम तो हीनी बांझी जिंदगी है उदे खान पीन पहरान नू कह दिता है, नाम बिना जो पहरा खाए ज्यों कुकर जूठन में पाए। नाम बिना जेता व्यवहार ज्यों मृतक मिथ्या सिंगार। नाम संग मन प्रीत ना लावै कोट कर्म कर तो नरक जावै। नाम तो बिना मनुख जिन्ने मर्जी कर्म करला ओ कर्म तेरे सारे किते हुए तेरा जीवन दा उधार नहीं कर सकनगे। मेरे पातशाह कहंदे कोट कर्म कर तो नरक जावै। हर का नाम जिन मानना अरादा चोर के न्यायी जम पुर बंदा। इसलिए नाम जपन लई दे मिली आ हजूर दे अमृत वचन हान दुलब दे पाई बड़ भागी। नाम ना जपहै ते आत्म घाती मर ना जाहि जिन्ना विसरत नाम। नाम बिहोन जीवन कौन काम। नाम तो बिना ए जीवन किसे काम नहीं है, ए वे अर्थ है। सो रहो विचार आओ मनवृत्तियां नू एकागर करके पावन पवित्र शब्द दी विचार शब्द दे रंभता तो श्रवण करिए जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। राग बिहागड़ा शांत महला चौथा कर पहला। धन गुरु गुरु रामदास साहब जी महाराज ने ये विहागड़ा राग दे अंदर पावन शब्द उचारण किया है। ये शब्द हजूर ने शांत दे रूप विच उचारे है। काव्य दे मदर चाल नू शांत किया जांदा है। सतगुरु साहिबाना दी पावन बाणी बहुत सारे संतां दे रूप विच उचारण कीती हुई है। संत दा अर्थ विद्वाना ने प्रभु दा जस खुशी दे गीत ओदे गुण गावण नू भी किया है। हजूर दे अमृत बोल हन हम ढाडी। हे प्रभु वाहिगुरु जी हम ढाडी हर प्रभु खसम के नित गावहें हर गुण शंता।
गुरु पातशाह जी कहंदे ने हे मेरे मालक वाहिगुरु मैं तेरे दरदा तेरा जस गावन वाला एक ढाडी हाँ मैं तो हमेशा ही तेरे गुण तेरे खुशी दे गीत गाउंदा रहिंदा हाँ। हजूर ने वाणी च पंचम पातशाह ने भी कहा है छाती शीतल मन सुखी संत गोबिंद गुण गाए। वाहिगुरु परमात्मा दे गुण गावन दा नाम भी संत कहा है। सो विद्वाना ने एक छंद दी चाल जो काव्य दी एक मधुर चाल मनना कीता है वधीक रूप विच इस तरह संत दे रूप विच चार चार तुकां दे शब्द आउंदे हन। एक एक पदे दे अंदर कई कई संतां दे अंदर छे छे तुकां दे भी बंद आए हन और ओ विचार राग विहागड़ा संत महला चौथा गुरु नानक दा चौथा स्वरूप गुरु रामदास जी दा पावन शब्द है। घर पहला पहले घर सुरताल अंदर हजूर ने उचारिया है एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हजूर ने शब्द दे रंभ दे अंदर वस्तु निर्देश मंगल कीता है। विद्वान इस नूं बीज रूप मंगल भी कहंदे हन। एक ओंकार वाहिगुरु एक है। ओंकार सर्वदा प्रकाशक उच्चारण मात्र से रक्षा करने वाला है। सातो तीन काल सत स्वरूप है। उसे नू कहा है आद पूरन मध पूरन अंत पूरन परमेश्वर है। वो तिना कालां दे अंदर सत स्वरूप है। वो भूतकाल विच भी सी ओ वर्तमान अंदर भी है। ओ भविखत काल अंदर जो आने वाला समय उदो भी सत होगा जो इतने कुछ नहीं होना। उसनू गुरबाणी च हजूर ने कहा है तू है तू होवनहार। ओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद ओ तीन काल सतगुर चेतन प्रसाद आनंद स्वरूप अथवा वो जो सत चित आनंद स्वरूप है जो एक है वाहिगुरु ओदी प्राप्ति गुर प्रसाद गुरु की कृपा द्वारा हुंदी है। हर हर नाम तिहाइया मेरी जिंदड़िए गुरमुख नाम अमोले राम। हर हर नाम तिहाइया मेरी जिंदड़िए हजूर उत्तम भगते द्वारा ये सानू उपदेश बख्शिश कीता है। अपने जिंद नू मुख रख के गुरदेव सानू प्रेरणा कर रहे हैं। जिंद कला आ जिहड़ा साडा बाहरला वजूद है पंज भौतिक कला शरीर है इहनू कल्ले नू जिंद नहीं कहा गया है। जिंद दा अर्थ विद्वाना ने कीता रूह जिहदे च अंतशकरण भी किया है मन बुद्ध चित अहंकार सब आ जांदा है।
असल च उत्थे जिंद पूर्ण रूप विच बन जाती है जिथे सतगुरु ने कहा जियो पाए पिंड जिन साजिया दिता पहनन खान। पहला पिंड स्थूल शरीर उन्हें बना दिता वाहगुरु ने, फिर ये अपनी जीवन कला अपनी शक्ति अपनी जोत ये स्थापित कर दिती है, फिर ये जिंद बन गई है। ये जिंद मिली इस वास्ते है नाम जपन लई, जिवें मैं आरंभ च बेनती कीती आ मेरे पातशाह जी कहिंदे ने हर हर नाम तिहाईऐ मेरी जिंदड़िए, हे मेरी जिंदे तू हर हर नाम नूं तिहावना कर, जो हरी सब दे दुखां दा हारक सब नूं हरे भरे करन वाला है उहदा नाम तिहाईए तिहावना करिए। क्योंकि जिंद नाम जपन नाल ही सफली होनी है सारी। इसे लई सियाने विद्वाना दा कथन है नाम जपन को जीभा दीनी हर दर्शन को अखी, एक एक श्वास अमोलक जांदा हाथ ना आवे लखी। 24,000 श्वास बंदे दा अमदल मूल ना थीवे, जिस बंदे को इतना घाटा सो बंदा क्यों जीवे। हर हर नाम तिहाईए मेरी जिंदड़िए, हे मेरी जिंदे ओ वाहिगुरु वाहिगुरु परमात्मा दे नाम नूं तिहावना कर। पर ओ नाम कैसा है, गुरमुख नाम अमोले राम, ओ व्यापक परमात्मा दा नाम। मनुख कदे ऐवें ना समझ लैना भी ओ ऐवें आ नाम सस्ता जाए। गुरु रामदास जी महाराज कहिंदे ओ नाम अमोले बड़ा अमोलक है, दुनिया दे अंदर बड़ियां कीमती तो कीमती वस्तुआं मनियां हन। असी धातां दे विच्चों जे कीमती मनदियां सोना कीमती मन लिया है, पत्थरां दे विच्चों जे कीमती मन लिया वड्डे वड्डे हीरे रतन कोई नूर हीरे वर्गे असी कीमती मन ले हन। दुनिया दे अंदर ऐसियां वस्तुआं असी कीमती मन लियां हन गुरसंगत जी, पर प्रभु परमात्मा दा नाम इन्ना अमोलक है सारियां वस्तुआं कुछ भी नहीं हन उस दे सदर्श। इसे लई सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज ने श्री सुखमणी साहब जी दे अंदर सलोक च सानू समझावदिया कह दिता है भी जिन्हें धार्मिक ग्रंथ हन उन्हां सारिआं नूं असी चंगी तरह विचार विचार के देखिआ भी प्रभु परमात्मा दा नाम इन्ना अमोलक आ उहदे तुल कुछ नहीं पुज सकदा। मेरे पातशाह कहिंदे ने बहु शास्त्र बहु सिमरति पेखे सर्ब टंडोल, पूज सनाही हर हरे नानक नाम अमोल। भगत कबीर जी ने भी कह दिता है अह मनुख मता समझ ली भी सोना कीमती है, प्रभु परमात्मा दे नाम दे तोले कुछ भी नहीं है।